बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब कुछ ऐसा ही रिएक्शन आप सभी का होगा सीरियल गुम्मे किसी के प्यार में का आज का एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि यहां पर कहानी नई सामने आ चुकी है। और अब तक जितने भी लोग यहां पर मौजूद थे जो कि कभी बोलते थे कि सीरियल के मेकर्स में दिमाग नहीं है, उन्होंने दिमाग से सीरियल को नहीं बनाया है, या फिर सीरियल के मेकर्स समझदार नहीं है, ऐसी चीजें, तो यार आज आप सभी की बातों को मुझे गलत ठहराना पड़ेगा, क्योंकि आज का एपिसोड देखने के बाद मुझे पता चल गया कि सीरियल के मेकर से ज्यादा दिमागदार कोई और नहीं है। अब यहां पर सीरियल के मेकर्स को अच्छी तरीके से पता था कि यहां पर सही और विराट की एंडिंग हुई तो यहाँ पर कहानी को आगे देखने के लिए ऑडियंस बढ़ेगी ही नहीं, तो उन्होंने यहाँ पर सही और विराट का एंडिंग नहीं दिखाया और यहाँ पर उसे सस्पेंस के तौर पर छोड़ दिया ताकि पुरानी ऑडियंस भी नए सीरियल यानी कि लीप के बाद कहानी को देखे। और यहाँ पर आने वाले एपिसोड में सीरियल के मेकर्स हर एक मुमकिन कोशिश करने वाले हैं नई स्टार कास्ट को इस तरीके से आपके सामने पेश करने की कि जब तक सही और विराट का सच आपको पता चले, आपको नई स्टार कास्ट से प्यार हो जाए और आप नए सीरियल को, नए गुमे किसी के प्यार में को नए अंदाज से देखना शुरू कर दें। अब दोस्तों यहां पर निनाद कहते हुए नजर आते हैं आज के एपिसोड में कि सही और विराट की अभी तक मेरे पास विशेष नहीं आई, तो यहां पर अश्विनी कहती है कि आएगी, अभी तो पूरा दिन बाकी है। ऐसे में सभी लोगों को लगा यार सही और विराट कहीं बस तो नहीं गए और कहीं हमारे सही और विराट वापस तो नहीं आ रहे हैं। तो देख लो अब सीरियल के मेकर्स को दिमागदार मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, क्योंकि यहां पर निनाद और अश्विनी जो है बड़े ही इमोशनल है अपने बेटे और बहू की मौत को लेकर, एंड यही रीजन है कि यहां पर निनाद ऐसी बातें करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि रात को कहीं तारों में सही और विराट यहां पर उनको विश देते हुए नजर आ जाए तो वो अलग बात है, बाकी सही और विराट नहीं लौटने वाले। अब यहां पर मैं कह रहा था कहानी को लेकर कि आप सभी का रिएक्शन वैसा ही होगा कि भाई हम तो टूट गए कहानी को देखकर, क्योंकि अब देखो यहां पर डिट्टो कहानी यहां पर सीरियल के मेकर्स ने कॉपी पेस्ट कर दी है। यहां पर पहले यहां पर पुराने स्टार्टिंग के गुमे किसी के प्यार में से कॉपी की और नए गुमे किसी के प्यार में चिपका दी उसे लाकर। यहां पर पत्रलेखा से विराट जो है वो योगा सेंटर में मिलता है। यहां पर सीरियल में मुख्य कलाकार जो शक्ति अरोड़ा का किरदार है वो मिलने वाला है कॉलेज में और दूसरी एक्ट्रेस से, और यहां पर सभी जो है वो एक बंधन के तौर पर उससे बन जाएगी, क्योंकि यहां पर वो दोनों किरदार पुणे में दिखाए गए हैं, नागपुर में दिखाए गए हैं, क्योंकि दोस्तों यहां पर जो कहानी आगे बढ़ने वाली है वो सभी की शादी को लेकर है और सभी का रिश्ता जो है वो किस तरीके से उनके पास पहुंचने वाला है इसमें कोई दोराय नहीं है। यानी कि कहानी तो इस बार भी वहीं पर आकर उलझी है कि दिल कहीं और होगा लेकिन दिमाग और फर्ज कहीं और होने वाला है और कहानी इस तरीके से आगे बढ़ने वाली है। ऑल ओवर दोस्तों यहां पर पहला एपिसोड देखने के बाद मैं तो यही कहूंगा स्टिल डिसअपॉइंटिंग, एंड भवानी काकू के किरदार एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ एक किरदार दमदार अभी भी कहानी में बचा है, ये किरदार अभी भी पुरानी ऑडियंस को पकड़े रख सकता है, क्योंकि देखो भवानी काकू ने भले ही विलेन का किरदार क्यों ना निभाया हो कहानी में, लेकिन किशोरी शहाने का जो स्टारडम है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है, जो उनका रुतबा कहानी में देखने को मिला है वो वाकई में कमाल का है। उन कमाल की एक्टिंग किशोरी शहाने ने भवानी काकू के किरदार के रोल में की है, तो ऐसे में ये एक्सपेक्टेशन थी कि कमाल का सीरियल हो सकता है आगे भी भवानी काकू का अगर दमदार और अच्छा पॉजिटिव किरदार नया तरीके से मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। ऑल ओवर दोस्तों पहला एपिसोड देखने के बाद आप लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताइए, एंड यस सही और विराट को लेकर अगर मन में सवाल है तो भूल जाइए कि वो लोग वापस लौटने वाले हैं लीप की कहानी में। फ्लैशबैक का सीन आपको कुछ एपिसोड के अंदर देखने को मिल जाएगा जहां पर बता दिया जाएगा कि सही और विराट किस तरीके से अलविदा कहकर चले गए थे और 20 साल पहले क्या हुआ था। ऑल ओवर दोस्तों आपके क्या ओपिनियन है इस चीज को लेकर शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ सकते हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर भी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। दोस्तों मैं मिलूंगा सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।